नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज हमारे इस कार्यक्रम में हमारे स्टूडियो में खास मेहमान पधारी हैं, दिल्ली से ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की अध्यक्ष मिसेस अनीता वर्मा। अनीता जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 7 जून 2011 को आप अध्यक्ष बनी थी महिला कांग्रेस की, प्रभा ठाकुर जी को हटाकर। क्या क्या किया आपने इतने महीनों में? मैं 7 जून को मैंने अपना पद ग्रहण किया था दिल्ली में, और उसके बनने के बाद सबसे पहले मैंने ये सारे हिंदुस्तान के जो हमारे प्रदेश हैं वहाँ जाकर मैंने महिला कांग्रेस की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको देखा कि क्या वो ठीक तरीके से चल रही है। वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हमारे पूरे बने हुए हैं और हमारे जो ब्लॉक्स हैं वो भी क्या पूर्ण रूप से तैयार हैं कि नहीं। तो ये सारा दौरा मैं इतने महीनों में कर चुकी हूँ, और अब जैसे मैंने इंदौर में यहाँ पर प्रोग्राम रखा है, ये दौरे में खास करके जहाँ पर इलेक्शन आने वाले हैं जिन प्रदेशों में, वहाँ पे संभाग में जाकर मैं हर जिले में दौरा रख रही हूँ ताकि वहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी मैं सशक्त करूँ। इस दौरे का कोई चुनाव से ताल्लुक है? जहाँ चुनाव है वहाँ पहले दौरा, ऐसा कुछ है? हाँ, ऐसा तो है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब हम एक चुनावी लड़ाई में उतरेंगे तो हमारी सेना पूरे तरीके से तैयार होनी चाहिए, और उसको साथ में ये भी पता होना चाहिए कि जब हमने इलेक्शन लड़ना है या इलेक्शन में जाना है तो हमने क्या बोलना है और कैसे हमने प्रहार करना है और किस प्रकार हमने अपने वोटों को इकट्ठा करना है। ऐसा माना जाता है कि विभिन्न संगठनों में, पार्टी संगठनों में महिलाओं को खाना पूरी के लिए रखा जाता है, वो अधिकतर शो पीस बन के रह जाती है, ऐसा? देखिए, हमारा तो जो संगठन है वो है ही महिलाओं का, तो यहाँ पर तो महिला ही कार्यकर्ता है, महिला ही लेती है। मैं कांग्रेस की बात करूँ, कांग्रेस में महिला एक विंग बना दिया और महिलाएं भी खुश रहे, ऐसा नहीं? ऐसी बात नहीं है। देखिए, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन अभी हुई है उसमें 30% महिलाओं को ब्लॉक में, डिस्ट्रिक्ट में और प्रदेश में लिया गया है, और साथ में AICC का मेंबर भी बनाया गया है। तो ऐसी बात नहीं है कि उनको शो पीस रखा गया है। क्या इन महिलाओं को टिकट मिलेगा चुनाव में? पार्टी टिकट देगी? जब चुनाव की बात आती है तो पार्टियां कहती कि ये जीतने वाले उम्मीदवार हैं, हमें ऐसे उम्मीदवार को टिकट देना जो जीत सके। ऐसे है कि हमें जो ये आपने कहा कि पार्टी सोचती है कि जीतने वाला उम्मीदवार है, तो हमने ये तैयारी अभी से शुरू की है। हमने कुछ चयनित की है महिलाएं जो हमें लगता है कि इलेक्शन लड़ सकती हैं, तो हम उन्हें थोड़ा सा तैयार करना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं कि इलेक्शन के टिकट के लिए जब बात आती है तो क्या क्या आपके पास खूबियां होनी चाहिए जिससे आपका टिकट कभी कट नहीं सकता और जनता जो है वो आप ही के लिए बोलेगी। तो ये बातें हम अभी से ही अपने मन में रखते हुए इन बातों को जमीन तक हम उतार रहे हैं। बीजेपी में जो आपकी प्रतिस्पर्धी पार्टी है, बीजेपी में स्मृति ईरानी महिला विभाग की अध्यक्ष हैं आप, तो स्मृति ईरानी का ग्लैमर उनके सामने तो आप फीकी हैं, ऐसा नहीं लगता आपको? देखिए, वो बेशक एक एक्ट्रेस हैं, वो उसके एक अपने कैरेक्टर के रूप से आकर उन्होंने अपना पद संभाला है। मैं एक सिर्फ गृहिणी थी जिसने राजनीति में कदम रखा और अपने बल पर छोटे से कार्यकर्ता से लेकर यहाँ तक अपना स्थान प्राप्त किया है। आपने अपने बल पर किया, ये माना जाता है कि आप राजीव गांधी जी और सोनिया जी के काफी करीबी हैं इसलिए आप यहाँ तक पहुंची? वो भी मेरे ख्याल, मुझे बेशक मैं उनके करीब हूँ, पर उन्होंने मुझे जो ये पद दिया है वो मेरे कार्य की वजह से दिया है, क्योंकि उनके करीब सिर्फ मैं नहीं हूँ, इस पूरे हिंदुस्तान में काफी महिलाएं हैं, तो ये पद वो किसी को भी दे सकते थे, लेकिन मेरी कार्यशैली को देखते हुए मुझे ये पद मिला है। एक तरफ तुलसी आती है, स्मृति ईरानी और भीड़ लग जाती है, आपको देखने तो कोई आता नहीं? ना आए, पर मेरे बातों को, मेरे जो पार्टी के विचार हैं और जिस नेता को मैं प्रोजेक्ट करने जाती हूँ उनकी बातों को सुनने के लिए काफी आते हैं, और मैं बहुत खुश हूँ। कल उज्जैन में भी 2-2 मीटिंगें हुई, रतलाम में भी 2-2 मीटिंगें हुई और बहुत सक्सेसफुल मीटिंग हुई। तो बेशक ही छोटे दर पर महिलाएं आती हैं, पर वो विचारों को लेकर जाकर उनको आगे भी पहुंचाती हैं, और उस ग्लैमर को तो देखने के लिए जो आते हैं वो आते हैं और चले जाते हैं और भूल जाते हैं कि वो किस लिए आए थे। कल मध्य प्रदेश विधानसभा में गृह मंत्री ने एक बयान दिया जिसके मुताबिक नवम्बर से फरवरी तक, नवम्बर दिसंबर जनवरी फरवरी, इन 121 दिनों में महिलाओं के साथ गैंग रेप के 105 मामले हुए, आप इस पर क्या कर रही हैं? इस पर तो मैं यही कहूंगी कि यहाँ की जो राज्य की जो आपकी प्रशासनिक आपकी जो ताकत है वो चरमरा गई है, खत्म हो चुकी है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि अगर एक दिन का एक रेप माना जाए आप तो ये बहुत है किसी भी प्रदेश के लिए।
आपका मध्य प्रदेश बहुत सभ्य प्रदेश माना गया है, आपके मध्य प्रदेश को लोग बहुत अच्छी निगाहों से देखते हैं, लेकिन इतने सारे अत्याचार जो महिलाओं पे हो रहे हैं, मैं समझती हूँ कि आपके मध्य प्रदेश के लोग, आपका मध्य प्रदेश अपना महत्व, अपने जो स्थान था उसे काफी नीचे चला गया। इन 105 मामलों में 258 आरोपी हैं, 258, और उसमें से भी 56 आरोपी फरार हैं, पुलिस उनको 4 महीनों में पकड़ नहीं पाई। कोई आंदोलन करेगी महिला कांग्रेस? देखिए, महिला कांग्रेस तो आंदोलन कर ही रही है। सबसे बड़ी बात जो मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की है, इन्होंने एक हेल्पलाइन तैयार की है, जिसके तहत इन्होंने सबको टेलीफोन नंबर भी दिए हैं और खास करके मीडिया वालों को भी टेलीफोन नंबर दिए हैं कि अगर उन्होंने उनके साथ बातचीत करनी या कोई विषय उनके पास उस हेल्पलाइन के तहत लाना, तो वो थोड़ा बहुत हमें एक महत्वपूर्ण कदम होगा उनकी तरफ से और हमें उसके बारे में ज्ञान मिलेगा, और उसके बाद महिला कांग्रेस जो है उस केस को अपने हाथ में लेती है और ये देखती है कि उस अपराधी के खिलाफ FIR दर्ज हो और उसको उसके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई हो, वहां तक उस तह तक हमारी महिला कांग्रेस जो है वो जाती है। और मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ, आज हम महिला बचाओ एक बहुत बड़ी रैली निकाल रहे हैं, जिसमें हम यहाँ की सरकार को बताना चाहते हैं कि आप तो बोलते हैं बेटी बचाओ, पर अगर पहले महिला ही नहीं बचेगी तो बेटी कहाँ से बचेगी। तो हम इसलिए ये रैली के तहत इस सरकार को जगाना चाहते हैं, और जो गुंडे जो यहाँ हावी हो चुके हैं, जो यहाँ की पुलिस और प्रशासन को नहीं चलने दे रहे हैं, उन पर कंजा कसने की बहुत जरूरत है, उसमें हम इस सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। आप बड़े भोली हैं मैडम, बात यह है कि क्या रैलियों से सरकार फैसले बदलती है? रैलियों का असर होता है सरकार पर? देखिए, अगर रैली और मीडिया दोनों मिलकर अगर साथ देता है, तो आपको मैं बताना चाहती हूँ कि छोटी छोटी इन रैलियों से बड़े बड़े तख्त जो थे वो भी गिर चुके हैं। दूसरे आप बाहर के देशों में देखिए, वहां पर रैलियों के तहत ही बड़े बड़े तख्त जो है गिरे हैं। तो हम चाहते हैं कि हम नहीं कहते कि हम आपका तख्त गिराने आए हैं, हम कहते हैं आप सुधारिए यहाँ की स्थिति को, यहाँ की जो महिलाएं हैं उनको आप सुरक्षित रखिए, तब तो हम मानेंगे कि आप अच्छे प्रशासक हो। राजीव गांधी जी ने महिलाओं को नगरीय निकायों में, ग्राम पंचायतों में, नगर पंचायतों में 30% आरक्षण दिया, दिलवाया। एक नई चीज उससे हुई है, एक नया पद क्रिएट हुआ है, सरपंच पति और पार्षद पति। महिलाएं जो काम करती हैं उनके पति काम कर रहे हैं, ऐसा क्यों? ऐसे है कि जब ये 33% आरक्षण दिया गया था पंचायती राज में, तो पहली बार कोई महिला जो है उसने ये पद जब ग्रहण किया, उसे ये नहीं ज्ञात था कि मैंने क्या कार्य करना है। लेकिन अभी जो 50% आरक्षण महिलाओं के लिए हो गया है, अभी जो महिलाएं आ रही हैं, उनमें थोड़ा सा आपको जरूर बदलाव नजर आया होगा। और हम जहां भी जाते हैं, और हम भी महिला कांग्रेस के तहत कोशिश कर रहे हैं महिलाओं को जागृत करने के लिए कि अगर आप किसी स्थान या किसी पद पर बैठी हैं, तो आप अपने पावर को इस्तेमाल कीजिए, पति को वहां लाकर अपने आप को बिल्ड करने की कोशिश मत कीजिए। आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं क्या क्या हैं? आप क्या बनना चाहती हैं? हिमाचल प्रदेश की आप हैं, हमीरपुर से 2 बार विधायक रह चुकी हैं, क्या लक्ष्य आपका राजनीति में? मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि बहुत छोटी उम्र में मैं अपने पति को खो चुकी थी, तो मैं भी राजनीति में आई थी। यहाँ पर मुझे एक प्यार मिला, लोगों का काम करने का अवसर मिला, जिसमें मुझे अपना समय भी व्यतीत होता है। तो मैंने कभी शुरू से कोई लक्ष्य नहीं रखा, मैं तो सिर्फ जिस पार्टी के साथ जुड़ी हूँ और जो सेवाएं मैं लोगों के लिए कर सकती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि जब तक मैं जिंदा हूँ उतनी सेवाएं मैं लोगों को दूँ, और जिस पद पर भी मैं बैठूँ उस पद के तहत मैं लोगों को जितना कुछ दे सकूँ, और खास करके गरीब और पिछड़े और मेरी जैसी जो महिलाएं हैं उनकी मदद कर सकूँ, तो मेरा लक्ष्य तो इतना ही है, उससे आगे नहीं। आपकी कहानी कुछ कुछ सोनिया गांधी की कहानी से मिलती जुलती है, वे भी सामान्य गृहिणी थी, लेकिन सोनिया जी के पति प्रधानमंत्री थे इसलिए वे आगे बढ़े, आपके पति सामान्य विधायक थे, ऐसा है? देखिए, सोनिया गांधी अगर चाहती तो वो भी अपने पति के बराबर आ सकती थी, तो मैं समझती हूँ कि सोनिया जी ने भी बहुत बड़ा त्याग किया है। आज सोनिया जी प्रधानमंत्री बनने से एक कदम नहीं, आधा कदम दूर थी, लेकिन उन्होंने उस पद को बिल्कुल नकार दिया था कि मैं नहीं बनना चाहती। आज वो भी एक सामान्य MP की तरह है, बेशक वह UPA की चेयरमैन है, वो सबको राय देती हैं, कोई ना कोई कहीं ऐसी कठिनाई आती है उसको संभालती हैं,
लेकिन उन्होंने कोई वही पद प्राप्त करने की कोई चेष्टा नहीं की। एक आप हमीरपुर के हैं और हमीरपुर एक छोटी सी जगह है जहां महिला और पुरुष का अनुपात बहुत बड़ा है, 1000 पुरुषों के पीछे केवल 815 महिलाएं हैं। आप कोई अभियान चल, जैसे मध्य प्रदेश में तो एक बेटी बचाओ अभियान चल रहा है, क्या ये केवल सरकार का अभियान होना चाहिए या सभी महिला संगठनों का अभियान भी हो? नहीं, इसको हमने, हमारा जो महिला संगठन है उसके तहत हमने खास करके गर्भपात जो है उसको खत्म करने के लिए, महिलाओं को जागृत करने के लिए और ये बताने के लिए कि यूपीए सरकार ने इतनी अच्छी अच्छी स्कीम्स लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए दी हैं कि कल को अगर एक बेटी पैदा होती है तो उसको पढ़ाई का कोई डर नहीं है। खास करके आपको मैं बताना चाहती हूँ, हिमाचल प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी तो हमने एक कानून लागू किया था कि जो एक लड़की है बेशक कक्षा एक से लेकर मेडिकल करना चाहती है उसको मुफ्त शिक्षा मिलेगी, और साथ में जब वो पैदा होती है, ये तो शायद सारे ही हिंदुस्तान में है, उसके लिए कुछ ना कुछ राशि रखी जाती है कि कल को अगर उसकी शादी हो या कोई ऐसा कार्य हो तो उसमें उसको इस्तेमाल करें। तो जब है किसी के भी मन में है कि बेटी पैदा होगी, कल हम उसकी शादी कैसे करेंगे, कैसे पड़ेगी, तो उस भय को हमारे हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है वो स्वयं हटा रही है और लोगों में ज्ञान आ रहा है। लेकिन अपनी महिला कांग्रेस के तहत भी हम उन महिलाओं को थोड़ा और जागरूक कर रहे हैं। ऐसा क्योंकि इस देश में अधिकतर कानून, जो कानून बन रहे हैं वो पुरुषों के खिलाफ बन रहे हैं। दहेज विरोधी कानून एक है, उस कानून में की धारा है 498A के नाम से कुख्यात है, उसमें कोई महिला जाकर थाने में रिपोर्ट लिखा दे कि मेरे पति ने, सास ने, जेवर ने, जेठ जेठानी, उनके बच्चों ने दहेज के लिए प्रताड़ित किया तो पूरा परिवार उठा के सीधा जेल में डाल दिया जाता है। एक और कानून अब आ रहा है तलाक लेने के बारे में, तलाक को आसान बनाना चाहती सरकार, लेकिन उस कानून में ये प्रावधान है कि अगर महिला तलाक चाहेगी तो आसानी से मिल सकेगा, पुरुष चाहेगा तो उसे एक लंबी प्रक्रिया से निपटना पड़ेगा। ऐसा क्यों है, क्या महिला पुरुष साथ में नहीं चल सकते? देखिए, ये साथ में चलने वाली बात जो है महिला पुरुष की अभी जागृत हुई है, नहीं तो शुरू से ही महिला को सेकंड सिटीजन माना गया है, उसको दूसरे दर्जे पर रखा गया है, कभी महिला को आगे आने नहीं दिया गया है। ये तो अभी महिला आगे आने लगी है, और बड़े अफसोस की बात है कि अगर ऐसा पुरुष के लिए कानून लागू है तो पुरुष को भी मान लेना चाहिए कि भाई अब बराबरी आ गई है, अब वो भी कानून के तहत उनके ऊपर कोई ना कोई ऐसा मुकदमा या केस चला सकती है। नहीं तो आज तक महिला दबती रही, बेशक वो कितनी परेशानी में रही, उसने कभी नहीं दर्शाया, ना तो वो बाहर टीवी पर गई ना वो थाने में गई, लेकिन अब वो जो जागृति आ गई है, अब जो महिला कहती है कि नहीं मैं बराबर की हूँ, मैं अगर आप कहते हो कंधे के के साथ कंधा मिलाकर चलती हूँ तो वाकई मेरे साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर चलिए, तो उस बराबरी में मैं समझती हूँ पुरुषों को इस कानून से कोई ऐसा ये खतरा नहीं होना चाहिए, ना उनको कोई ऐसी बात का महसूस करने की जरूरत है। आपकी राय में अभी क्या विसंगतियां बाकी हैं महिला और पुरुषों में? बहुत दूरी है महिला और पुरुष में, अब तो इतनी दूरी नहीं है, लेकिन अभी तक कुछ महिलाओं को हमने और आगे बढ़ाकर ये बताना है कि भाई आप भी पुरुष के जैसे उनका साथ देंगे तो आपकी अपनी आर्थिक स्थिति भी ठीक होगी, और जो थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं जिसके कारण डाइवोर्स होते हैं वो भी आपके खत्म होंगे, क्योंकि एक महिला जब घर में रहती है तो उसके विचार कई जगह आगे पीछे जाते हैं, पर जब वो कामकाज में जाती है तो उसका जो मानसिक स्थिति होती है वो संतुलित रहती है। आप जब भी कहीं रैली निकालती है तो महिलाओं की शिक्षा पर बहुत जोर देती है, आप कहते हैं कि महिलाएं पढ़ें तभी वो कानूनों का ज्ञान प्राप्त कर सकती हैं, और पंचायत हो या नगर पालिका हो वहां महिलाएं अच्छे से काम कर सकती हैं, पार्षद पति और सरपंच पति जैसे पदों से मुक्त हो सकती हैं। इसमें क्या आपको कोई कामयाबी मिली, महिलाओं का रिस्पांस कैसा होता है आपका? अभी जो खास करके गांव की जो महिलाएं हैं वो भी जागरूक हो रही हैं, उनको भी महसूस हो रहा है कि शिक्षा के बगैर काफी चीजों में वो पीछे रह रही हैं, और खास करके ये कंप्यूटर एज जो आ गई है जिसके तहत उनको कई बिलों की पेमेंट की आसानी और कई चीजों की जो आसानी नजर आ रही है, और सरकार भी कह रही है कि ऑनलाइन आप बिल पे कीजिए, ऑनलाइन आप कई बातें कीजिए, तो इन सारी चीजों को देखते हुए जो आपकी ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं वो अपनी बेटियों को भी बहुत शिक्षित करना चाहती हैं ताकि कल को वो समाज और एक पूरे जो सोसाइटी है उसके बराबर वो दूसरों के साथ खड़ी रहे। खानदानवाद चल रहा है,
पिता सरपंच है, अगले चुनाव में सरपंच का पद महिला के लिए आरक्षित हो गया तो उसकी पत्नी लड़ लेगी या बेटी लड़ लेगी, ऐसा क्यों? ऐसे होता है कि अक्सर कोई किसी व्यापार में होता है तो उसका बेटा उसी व्यापार में आता है, तो इसको राजनीति को भी मेरे हिसाब से आजकल व्यापार ही समझा गया है। वो सोचते हैं कि अगर मैं इस व्यापार में हूं तो दूसरा भी आना चाहिए, लेकिन कई बार जो बेटा या बहू उस लायक हो तो हम कहते हैं कि आप जरूर आइए, लेकिन कई बार उसी जगह में, उसी गांव में या उसी जिला परिषद में कई महिला या पुरुष ऐसे होते हैं जो उनके बेटे से और भी अनुभवी होते हैं और वो वोट लेने की अपनी क्षमता रखते हैं, तो तब हमें उनको आगे आने देना चाहिए। और मैं समझती हूँ कि हमारी पार्टी इस पर ध्यान दे रही है। क्या आपके पार्टी में खानदानवाद है? सुनील दत्त की बेटी प्रिया दत्त, राजीव गांधी का बेटा राहुल गांधी, राजेश पायलट का बेटा सचिन पायलट, माधवराव सिंधे का बेटा ज्योतिरादित्य सिंधिया, कमलनाथ का बेटा, सारे लोगों के बेटे राजनीति में आ रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, जिसने अपनी जगह छोड़ दी है और वहां पे कार्यकर्ता एक परिवार के साथ जुड़े थे तो वो कार्यकर्ता चाहते हैं कि उसी परिवार का कोई सदस्य आए तो वो सदस्य सक्सेसफुल भी हो जाता है। लेकिन अगर कोई है और उसको अपने परिवार के दूसरे सदस्य को लाना चाहे तो पब्लिक ही अपने आप उसको नकार देती है, वो नहीं मानती है। आपके बच्चे हैं? मेरी दो बेटे हैं। वो भी राजनीति में आएंगी? अभी तक तो नहीं, और अगर वो आना चाहें तो उनकी मर्जी है, मैं उनको रोक नहीं सकती। आप हमारे स्टूडियो पधारी, हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अनिता जी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को आप आगे ले जाएं, हमारी शुभकामनाएं, और महिलाएं आगे आए, आपके नेतृत्व में महिलाओं का और विकास हो, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। न्यूज़ मेकर्स में फिलहाल इतना ही।